सोनी टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम शो सीआईडी में फ्रेडी का मशहूर किरदार निभाने वाले दिनेश फडणीस का निधन हो गया है। उन्होंने कांदिवली के तुंगा अस्पताल में सोमवार की रात अंतिम सांस ली है। उनका निधन लगभग 12 बजे के आसपास हुआ है। बता दें कि 57 साल के दिनेश फडणीस का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते निधन हुआ है। सीआईडी में दया का किरदार निभाने वाले और दिनेश फडणीस के बेहद करीबी दोस्त दयानंद सेठी ने एबीपी न्यूज को बताया कि दिनेश लीवर, हार्ट अटैक, किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और उनकी जटिलताएं दिनों दिन बढ़ती चली गई थी। दिनेश फडणीस 30 नवंबर को कांदिवली के तुंगा अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी हालत को देखते हुए एक्टर को वेंटिलेटर पर रखा गया था। आपको बता देते हैं कि आज बोरीवल के दौलत नगर शमशान घाट में दिनेश फडणीस का अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां अभी चल रही हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें और नई अपडेट के लिए अंश न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।